उधर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन जो है हाथी का दांत साबित हो रहा है। गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई पानी की टंकी जो है शोपीस बनकर रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव गांव घर घर करोड़ों की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कराया ताकि लोगों को पीने के लिए साफ और शुद्ध पानी मिल सके। लेकिन विभागीय ब्लॉक स्तर पर नलकूप विभाग के अधिकारियों की उदासीनता की वजह से पानी की टंकियां जो है शोपीस बनकर रह गई हैं। सदर तहसील के जंगल कौड़िया ब्लॉक अंतर्गत मीरपुर ग्राम सभा में सालों से पानी की टंकी बनकर तैयार हुई, घर कनेक्शन दिया गया ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, लेकिन आने वाला पानी जो है दूषित निकलने लगा, जिसकी शिकायत भी की गई, जिस पर निवर्तमान जिलाधिकारी को अपना रिपोर्ट प्रेषित किया, जिसमें पानी की मशीन को नए सिरे से लगाने की बात कही थी। रिपोर्ट के आधार पर निवर्तमान जिलाधिकारी ने उच्च क्वालिटी के पंप लगाने को कहा। संबंधित अधिकारियों ने जिलाधिकारी के आदेशों का अनुपालन करते हुए करोड़ रुपए के उच्च क्वालिटी का मशीन पंप लगाने के लिए मंगवा तो लिया, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक उस पंप को मीरपुर के पंप हाउस पर लगवाना मुनासिब तक नहीं समझा। कब से नहीं मिला था? अरे साल भर हो गए, दो साल हो गए बाबू। अभी नहीं देता, अभी चालू नहीं हुआ है। कब से नहीं चालू है? अभी मतलब महीना हो गया, दो तीन चार छह महीना हो गया ना, छह सात महीना तो हो ही गया होगा। अच्छा जी, इससे पहले जो पुराना वाला मोटर था वो पानी दे रहा था? हाँ दे रहा था, उसके बाद से बिगड़ गया। वो साफ पानी दे रहा था? गंदा? नहीं, गंदा दे रहा था, साफ पानी दे रहा था। पहले पीला आ रहा था, हाँ, उसके बाद करीबन साल भर हो गया तो बंद पड़ा है। क्यों बन पड़ा है? क्या मार इतना तो नहीं मालूम। आज निकाल पनिया नहीं देता। कब से नहीं मिला था? अरे साल भर हो गए, दो साल हो गए बाबू। अभी नहीं देता, अभी चालू नहीं हुआ है। कब से नहीं चालू है? अभी मतलब महीना हो गया, दो तीन चार छह महीना हो गया ना, छह सात महीना तो हो ही गया होगा। अच्छा जी, इससे पहले जो पुराना वाला मोटर था वो पानी दे रहा था? हाँ दे रहा था, उसके बाद से बिगड़ गया। वो साफ पानी दे रहा था? गंदा? नहीं, गंदा दे रहा था, साफ पानी दे रहा था। पहले पीला आ रहा था, हाँ, उसके बाद करीबन साल भर हो गया तो बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? क्या मार इतना तो नहीं मालूम। आज निकाल पनिया नहीं देता। कब से नहीं मिला था? अरे साल भर हो गए, दो साल हो गए बाबू। अभी नहीं देता, अभी चालू नहीं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, करोड़ों रुपए की मशीन मंगा दी गई, लाखों रुपए की मशीन मंगा दी गई है, लेकिन इन मशीनों को अब तक अटैच नहीं किया गया है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या शोपीस बनाने के लिए इन मशीनों को लाया गया था? ये मीरपुर का है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना आदेश भी दे दिया था। उनकी स्वीकृति के बाद जो पुराने डीएम थे के विजेंद्र पांडियन, उन्होंने काफी हद तक इस पर प्रयास किया, लेकिन उनके जाने के बाद जो अधिकारियों की सुस्ती है ना वो टूट नहीं रही है। निश्चित रूप से एक पूरा गाँव जो है इस समय पानी की किल्लत से जूझ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 42-43 टेम्परेचर में जहां पर पानी की इतनी किल्लत होगी वहां पे ग्रामीणों का क्या हाल होगा, क्या दुर्दशा होगी। अधिकारी अभी भी नींद से जग नहीं पा रहे हैं, जो इंजीनियर हैं उनके कान पर जू तक नहीं देख रही है। कहीं ना कहीं ये खबर चलने के बाद हो सकता है कि अधिकारियों के अंदर एक जागृत बनाया और वो फिर मीरपुर गाँव में जाए और इस गाँव की। प्रदीप, ये क्या पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ है कि पुराने अधिकारी जो है उन्होंने मशीन मंगा ली, अब जो नए अधिकारी हैं वो अपने चहेतों के जरिए मशीनें मंगाकर कमीशन कमाने की कोशिश कर रहे हो? एकदम 100% इसमें कमीशन खोरी का मामला है। और जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जीरो टॉलरेंस पे काम करने की बात कर रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन उनके जो नाक के नीचे अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसका खामियाजा जो भोले भाले ग्रामीण है उनको भुगतना पड़ रहा है। कमीशन खोरी के इस खेल में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोगों की आंखें पथरा गई हैं मीरपुर गाँव में पानी की एक बूंद के लिए। प्रदीप, क्या अब तक इस पूरे मामले में किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि से तमाम ग्रामीणों ने शिकायत की है, विधायक, सांसद, मंत्री, किसी से भी? मामले में जो भी ग्रामीणों ने जितनी बार शिकायत की उतनी बार आश्वासन मिला है और विभागीय स्तर पर अगर हम बात करें तो विभागीय स्तर पर ये काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो अधिकारी हैं जिनको आके और इस मोटर को ठीक करना चाहिए, जिस मोटर से पानी चढ़ता है, जो जिस इंजीनियर को इस मोटर को लगाना चाहिए वो इंजीनियर बिल्कुल गाँव वालों की बातों को नहीं सुन रहा है, जनप्रतिनिधियों की बातों को नहीं सुन रहा है, तो कहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे कुछ गाँव के जो लोग हैं वो साफ और स्वच्छ पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं, आंखें पथरा गए हैं इंतजार में, लेकिन जो जिम्मेदार है वो गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। लाखों करोड़ रुपए की मशीनें जो हैं धूल फांक रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की कहीं ना कहीं अवमानना की जा रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ